हाय गाइस, कम इन, वेलकम टू माय होम। और आज मैं आपको अपना छोटा सा घर दिखाऊंगी। सो होम फॉर मी इज़ अ प्लेस वेयर आपका खुद का मन करे जाने का, अ प्लेस दैट कम्फर्ट्स यू, अ प्लेस समवन इज़ वेटिंग फॉर यू एंड यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ। So this is home for me. My pets are always waiting for me. They welcome me with all the cuddles and love. So for me, my pets are my home. Anywhere I can take them and feel home. This is the reason. This is the wall. जो आई थिंक मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये हर मूवी से मैंने कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लिया है लाइफ में। लाला लैंड वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट, मतलब जब भी मैं कन्फ्यूज होती हूँ इन लाइफ आई थिंक ऑफ दिस मूवी और मुझे एक वो मिल जाता है कि ठीक है, यस बीइंग प्रैक्टिकल एक टोटली अलग साइड होता है ऑफ लाइफ का एंड लाला लैंड एक अलग साइड होता है लाइफ का एंड वी हैव अ चॉइस, व्हाट डू वी वांट टू चूज। देन प्रिटी वुमन ऑल टाइम फेवरेट, आई एम अ बिग जूलिया रॉबर्ट्स फैन। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, टू बी होपफुल एंड हैप्पी। देन फॉरेस्ट ग्रम, डेफिनेटली इट्स अ क्लासिक। जोकर, शॉशैंक रिडेम्पशन। So these are few of my favorite classics. Honestly, I wanted the house to look like a house, not a five-star hotel, you know. Because I, being an actor and traveling so much, मैं बहुत time hotel suites में निकालती हूँ। तो मैं नहीं चाहती थी मेरा घर भी hotel suite लगे, मेरा घर मेरे जैसे लगे, colorful, vibrant, fun. And this is my favorite corner of the house because of my babies, their frames. We have a new addition. काइली जो खाना खा रही है, इसकी पोर्ट्रेट बनवा के अभी यहाँ ऐड करनी है। सो दिस कॉर्नर ऑलवेज मेक्स मी रियलाइज दैट यू नो यू केम हियर विद नथिंग, यू हैव अ ब्यूटिफुल होम फॉर योर फैमिली, एवरीथिंग, एंड यू कैन ऑलवेज डू मोर एंड मोर। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आई हैव वेरी कलरफुल फर्नीचर, आई हैव यू नो थोड़ा ग्राफिक्स वाला कर्टन एंड स्टफ। आई हैव ट्राई टू कीप इट हाउ आई एम, very easy breezy, cool, chilled out, young, थोड़ा girly. Like if a guy ever wants to live in this house, he'll feel awkward कि सब कुछ बहुत girly girly है. So plain white walls is not me and I wanted to add some texture, so we decided of this. It gives थोड़ा rawness वाला feel to the interior of the house. Of course ये original bricks नहीं है, ये पूरा customize करवा के tiles बनवाया था and that's how it's done. I really love my this corner also of the house because it's very me, you know, can furniture with macrame wall thing, plants, greenery, kyunki mujhe outdoors ghoomna, jaise sabko pata hai main hamesha ghoomti rehti hu, bahut pasand hai, to iski vibe thodi waisi hai with a very cute girly pink bar cabinet, my tiny bookshelf. So isme mostly cookery books hai because I love food and I love to cook also. And this is the heart of the house, जो kitchen होती है, simple and loads of storage and cabinets, ताकि सब कुछ organized हो, neat and clean हो, because मुझे हर चीज़ organized बिल्कुल पसंद है। जैसे मैं आग बंद करके भी निकाल सकती हूँ कि यहाँ चाकू होगा, यहाँ तेल होगा, everything। मुझे घर में हर चीज़ वैसे ही पसंद है। कब? Okay, so lot of people ask me who designed the house and मुझे inspiration कहाँ से मिली। मेरे दिमाग में ना कुछ visuals थे, मैंने internet पे research करी। I was always sure कि मुझे storage चाहिए, घर में बहुत सारी storage चाहिए। I have not left any corner which doesn't have storage, so I took out all the references, there was a team, I told them I am busy, this is your duty, this is all the money just created like that। Kailu, say hello। Okay Mia, अंदर चले, अंदर बेडरूम दिखाएं, चलो कम कम। सो दिस इज माय बेडरूम, जो कि बहुत ही हॉच पॉच है, क्योंकि एक होता है ना कि आप अपना फर्स्ट घर बनाते हो, आपको लगता है मुझे ऐसा पोस्टर बेड चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बट ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं ज़्यादा बड़ा घर नहीं ले पाई, तो मैंने सारे अरमान, मतलब बिकॉज इट्स माई फर्स्ट हाउस, इसमें पूरे किए, तो मुझे ये वाले बेड्स बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द साइज़ मैंने कस्टमाइज करवाया दिस साइज़ ऑफ द बेड एंड दिस वॉल। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वॉलपेपर।
I like things colorful, abstract, very young and quirky and contemporary. So उसी हिसाब से मैंने रखा. वो है मेरा closet of bags जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है. अगर मुझे कोई बोले कि इस पूरे घर में अगर आपको घर छोड़ के जाना है आप सिर्फ एक चीज़ अपने साथ लेके जा सकते हो तो वो होगा ये मेरा closet of bags. बाकी सब मैं कहीं ना कहीं कुर्बान कर सकती हूँ, बट ये closet एंड माई बेबीज, ये चीज़ें हमेशा मेरे साथ जाएंगी. दिस इज़ माई वार्डरोब. I'm very organized with everything. As you can see, मैं आँख बंद करके भी अपनी चीज़ें निकाल सकती हूँ because I know what is where. This is my normal casual clothes side. That side is my gym wear. That's the thing. और ये अब कपड़े ज़्यादा होते जा रहे हैं, घर छोटा होता जा रहा है तो extra add-on हो गया है. And my tiny little dressing table. जो हर लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो बेसिकली मैंने हर चीज़, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरे पास ये हो, ऐसा हो, वैसा हो, सब कुछ छोटा 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 कस्टमाइज करवा के करवा लिया. सेकेंड हाउस होपफुली आई विल बाय लाइक अ बिगर हाउस, क्योंकि मुझे हमेशा से वॉक इन क्लॉजेट चाहिए थी, बट इस घर में वो नहीं हो सकता था बिकॉज इट वॉज अ 2 BHK. सो होपफुली नेक्स्ट हाउस वेरी सून विद ह्यूज वॉक इन क्लॉजेट. नाउ आई शो यू माई गेस्ट रूम का. छोटा सा गेस्ट रूम है बट आई हैव ट्राइड टू मेक इट के जो मेरे गेस्ट हों वो बिल्कुल कंफर्टेबल हों. इट्स अ क्यूट लिटिल बेड विद, दिस इज़ माई फेवरेट थिंग. या ये मुझे ऐसा लगता है इस पर बैठ जाओ, सो जाओ, लाइक इट्स योर ओन बेड वाला सोफ़ा. ये आइडिया वैसे मुझे आई गॉट इट फ्रॉम अ फ्रेंड, सो दिस इज़ अ वेरी कूल थिंग. मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी जब मैं घर ढूंढ रही थी कि बैल्कनी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बंद बंद जगह पसंद नहीं है. I am somebody who loves natural sunlight and fresh air. I need fresh sunlight, fresh air, you know, good fragrance, everything should be like breezy. ये मेरा first घर है जो मैंने like I have bought this with hard-earned money of mine. Emotions, sentiments, feelings that I have invested in this house are more important than anything. So love is home for me. Wherever I am offered love and warmth, that will be my home.